इससे पहले कि अर्ज हाल करूं, आइए आपका इस्तकबाल करूं। मैं सुरेश ओबेरॉय स्वागत करता हूं आप सबका एक ऐसे प्रोग्राम में जिसमें मुलाकात होती है ऐसी पर्सनालिटी से जो हमें अपने कल, आज और कल के तजुर्बों के जरिए दोस्तों, रिश्तेदारों और कदरदानों के जरिए बताते हैं कि जीना इसी का नाम है। आज मैं जिससे आपको मिलवाना चाहता हूँ वो सिर्फ आप ही का चहेता नहीं है बल्कि यशोधरा और सुरेश ओबेरॉय की आंखों का तारा भी है। विवेक ओबेरॉय, मेरे ख्याल से हम दोनों की ये पहली मुलाकात है कैमरे के सामने यहाँ। हाँ जी, शायद ये पहली मुलाकात। इससे पहले? नहीं, मुझे नहीं लगता। अब्राहम लिंकन? हाँ। देखें वो क्लिप, ऑडियंस को भी दिखाते हैं। Try to give my son the strength not to follow the crowd when everyone is getting on the bandwagon. Teach him to listen to all men, but teach him also to filter all he hears on a screen of truth and take only the good that comes through. Teach him, if you can, how to laugh when he's sad. Teach him there's no shame in tears. Teach him to scoff at cynics and to beware of too much sweetness. विवेक, ये तो अब्राहम लिंकन की एक छोटी सी चिट्ठी थी, या बहुत लंबी टॉल ऑर्डर की चिट्ठी थी अपने बेटे के टीचर के लिए। बट वैल्यूज़ कुछ हमारे घर में भी मिलती जुलती हैं, आपको भी बहुत कुछ सिखाया गया है, तो इसके पीछे किसका हाथ? सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि ईश्वर की कृपा है, मेरे इस घर पर बहुत ज़्यादा कृपा है हमेशा से। आई थिंक गॉड इज ऑलवेज बीन स्माइलिंग एट आवर होम। थैंक यू गॉड। दादू, माई दादी माँ, हू इज नो मोर नाउ, बट आई एम श्योर शी इज स्माइलिंग इन हेवन लुकिंग एट दिस। यू डैड, मॉम, एंड आई थिंक ऑल ऑफ अस एज अ फैमिली हैव मेड इट व्हाट इट इज। तो मुझे लगता है कि जो सभ्यता है हमारे घराने की, जो एक कल्चर है, वो सब ने मिलजुल कर नहीं, मैं समझता हूँ कि इसमें हम सबसे ज़्यादा हाथ एक और शख्सियत का है जो 20 साल की उम्र में छोटी सी थी जब मैं उसको क्रेडल स्नैच करके लाया था। यशोधरा ओबेरॉय, विवेक मदर। कैसे लगता है मम्मी? बहुत अच्छा लगता है, लेकिन डर भी लग रहा है। किस बात का? नर्वस। बेटा आपके साथ है, बेटा आपको हग कर रहा है, पकड़ा है। पति मेरे साथ है। अच्छा अच्छा, बस एक मेरा दोस्त है इरशाद कमाल, उसने बहुत ही अच्छा शेर लिखा है, 100 फरमाइशें तुतली तुतली बातों में, जाने क्या क्या पढ़ लेती है माँ बच्चे की आंखों में। इस वक्त क्या पढ़ रही हैं आप उसकी आंखों में? खुशी। अभी मैं विवेक से पूछ रहा था कि कैसे लगा फादर एंड सन, मैं होस्ट और आप गेस्ट, तो आपको कैसे लग रहा है सब देख के? अच्छा लग रहा है टू सी बोथ माई द मैन इन माई लाइफ ऑन स्टेज विद मी। जब विवेक छोटा था तो
तो तुम चाहती थी कि वो बहुत पढ़े और बड़ी बड़ी किताबें पढ़े और पता नहीं क्या क्या IAS ऑफिसर और पता नहीं क्या क्या पढ़े, नहीं लेकिन काफ़ी पढ़े MBA सब एक्सट्राइजेड। मैं चाहती थी कि वो क्रिएटिव बने। हाँ तो आप ये तो कभी नहीं चाहती थी कि वो फिल्म एक्टर बने? नहीं वो नहीं, आई हैड नो प्रॉब्लम्स अबाउट दैट। नहीं बट नो, इट वाज हिज चॉइस, इट वाज हिज चॉइस, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज एजुकेशन इज अ मस्ट, दैट्स व्हाट आई फेल्ट एंड आई कॉन्सेंट्रेटेड ऑन दैट। मुझे याद है बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया आपने। मुझे हिटलर बुलाते थे आप लोग जब मम्मी मुझे मारने या डांटने आते थे तो मैं उनको ऐसे पीछे से यूं पकड़ लेता था, बोलता था अब जो करना है कर लो। विवेक के बचपन की कुछ तस्वीरें देखें। हाँ जी। विवेक की बचपन की तस्वीरें हैदराबाद की देखी, हैदराबाद के बाद बम्बई की देखी, लेकिन एक कहानी थैंक्स टू जीना इसी का नाम है, मुझे आज तक नहीं मालूम था कि विवेक बचपन में ताले तोड़ता था। जी आपको मालूम नहीं था? लेकिन मैं एक बहुत आपके बड़े फैन को बुला रहा हूँ, फैन ही नहीं बल्कि पंखा ही नहीं बल्कि एयर कंडीशन को बुला रहा हूँ इस ब्रेक के बाद। हाँ तो तुम जो ताले तोड़ते थे, जब जरा मैं थोड़ा सा प्रोग्राम तोड़ दूँ, क्या क्या पोल खुलने वाले हैं पता नहीं, पहले ही मेरा वो फर्स्ट बेडिंग सीन देख लिया सबने टीवी पे। अभी अभी विवेक के ताले तोड़ने की बचपन की बात हो रही थी और एक उनके बहुत सारे फैन है लेकिन एक बहुत बड़ा पंखा है, एयर कंडीशन है, वो कुछ आके बोलना चाहता है, उसे बुलाते हैं। आइए। हम खो गए हैं यहाँ इस NDTV के प्रोग्राम में, बहुत अच्छा गाते हैं आप। हाँ अच्छा, एक हमको शिकायत है जो मम्मी को मैं बोलने वाला हूँ कि आपने हमें आज तक नहीं बताया था कि विवेक बचपन में फ्रिज को खोलकर अलमारियां खोलकर चॉकलेट्स खिलाता और तुम चोरी में तुम भी हिस्सेदार थी पूरी। That was our secret. इतना प्यार करती है अपने भाई से? हाँ भैया के पास एक मास्टर की थी, पता नहीं कहाँ से ले आए थे, और मम्मा क्या करते थे चॉकलेट्स फ्रिज में डाल के फ्रिज लॉक कर देते क्योंकि वी स्ट्रीट टू मच चॉकलेट। सो भैया फाउंड दिस की समहाउ और जाके हम लोग जब मम्मा डैडी दोनों घर पे नहीं होते थे we used to go open the fridge, take out all the chocolates, fill up our pockets and run down and bhaiya used to go give it to all his friends and all of us used to sit and eat chocolate. Tumhara bhaiya itna bada actor ho gaya hai, abhi kaise lagta hai? Bahut acha lagta hai. Feels like it's such a beautiful feeling to watch his dream come true every day. Every day when there are people calling him and every day when we see him on TV, it's this dream evolving day by day and it's becoming more and more true. And we're just watching him grow as an actor, grow as a person, and it's beautiful. It's so fulfilling. अच्छा, जब तुम लोग छोटे थे तो एक हादसा हो गया था जिसमें तुम्हें अपने भाई के बच्चों के साथ रहना पड़ा क्योंकि उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, तो दोनों बच्चे तुम्हारी जिंदगी में आए, तो उसमें आज तुम जिसको बड़ा भाई कहते हो, आनंद ओबेरॉय। राजा भैया, माय एल्डर ब्रदर, आल्सो माय वेरी गुड फ्रेंड, माय गाइड व्हेन आई नीडेड हिम टू बी,
We've done everything together, from fight, scream, shout, grow, play cricket, everything that it takes to grow up and then be an actor. And even now, I think we have our share of all of that. Yeah. Also, your co-conspirator against us. Co-conspirator. Co-conspirator also, and many times guinea pig. I used to also make him the bali ka bakra also many times. Raja bhaiya ko masa do. Mummy, daddy, Raja bhaiya ko kam daantenge, mujhe zyada daant padegi. Raja bhaiya, you take the blame. Vivek, aapko bachpan mein aisa nahi laga ki Raja jo ghar pe aa gaya, Rana aa gaya, to usne mummy daddy ka pyar baant liya in logon ne? Shuru shuru mein to I think jab main bachcha tha to mujhe lagta tha ki apne maa baap ko, apni dadi ko, apne ghar ko share karna jo mera room hua karta tha, suddenly hum sab reh rahe hain. जो मेरी चीज़ें थी, मुझे याद है कि मुझे स्केट्स खरीदने थे, रोलर स्केट्स, और मुझे मम्मी की एक बात याद आई थी कि बेटा जब व्हेनेवर यू आस्क मी फॉर एनीथिंग, ये सोच के पूछना कि मुझे और दो और ख़रीदने पड़ेंगे. तो आई स्टार्टेड थिंकिंग लाइक दैट, और मैंने बहुत सारी चीज़ें नहीं मांगी, और बहुत सारी चीज़ें मैं रोलर स्केट्स अपने दोस्तों के बोरो करके यूज़ किया करता था, क्योंकि मुझे लगता था कि ओके, अगर ख़रीदना है तो सबके लिए लेना है, नहीं तो नहीं लेना. एंड देन धीरे धीरे करके एक जो बॉन्ड बना, एक जो दोस्ती बनी, एंड टुडे आई कांट लिव विदाउट माय ब्रदर. अरे वाह. अच्छा, एक बात बताओ, तुम दोनों जो बचपन में छुट्टियां गुजारते थे, मतलब ये तो मम्मी तो तमिल तेरी माँ है, तमिल तेरी माँ अल्लाह तेरी है. अच्छा, ये कैसे आई आपको तमिल, क्या हुआ, कहाँ गए थे आप वेकेशन की, कुछ बातें याद है पुरानी? हम लोग बहुत ज़्यादा वेकेशन के लिए मासी के यहाँ जाया करते थे. मासी के यहाँ? अच्छा, तो मासी के यहाँ, नानी के यहाँ, मामा थे वहाँ पे, तो मद्रास जाते थे, वहाँ बहुत मज़ा आता था. वहाँ से फिर विलेज जाते थे, ऊटी जाते थे, कुनूर जाते थे, बहुत मज़ा आया करता था. तो तमिल तो भूल गए होंगे. मैंने को कौन सी तेरी है? अरे मम्मी, ये सही बोल रहा है क्या? अच्छा, तेरी याद है? कौन से एक काम करते हैं, एक आपके वेकेशन डेज की कुछ छोटी सी यादगार है, देखते हैं. He used to spend all his vacations with us, and he was very close to my younger daughter because there were just about a year difference between the two, and he was very naughty and very active. Very enterprising boy right from the beginning, and he was a born actor. He was very scared of ghosts, but he insisted that he should listen to ghost story every night. So a niece of mine used to tell them ghost stories, my daughter and Vivek, and both of them were very scared, of course, but they insisted on listening to her. And the next morning we found that the bed was wet. So they, Vivek and my daughter Lavanya, used to have a big fight who wetted the bed. கம்பெனி பார்த்த போது வந்து, கம்பெனி பார்த்துட்டு நான் வெளியில் வந்த பாரு, அப்போ எல்லாரும் செல்போனில் பேசினாங்க. என்னையும் பேசணும் போது, நான் பேசணும் போது நீ என்ன சொன்ன, ஸ்ரீதேவி என்னோட மூவி எப்படி இருக்குதுன்னு கேட்டீங்களா? அப்போ வந்து மாசா கேட்டாங்க, என்ன விவேக் பேசுது அப்படின்னா, விவேக் எங்கிட்ட ஜோக் அடிக்குதுங்க சாமி அப்படி சொல்லிட்டேன். அப்புறம் வந்து நீ பெரிய ஆக்டர் ஆகணும்னு சொல்லி எனக்கு ரொம்ப ஆசை, எனக்கு வந்து சார்கண்ட் ரொம்ப பிடிக்கும், அதே மாதிரி நீ சார்கண்ட் மாதிரி வரோன்னு சொல்லிட்டு என்னோட ஆசீர்வாதம் எப்பவுமே உனக்கு இருக்கு. அச்சா, ஏக் மினிட் ஏக் மினிட். ये जो तमिल में बात हुई, उतना आप तो ज़्यादा समझ नहीं समझे होंगे. मम्मी क्या कह रही थी वो आया, बचपन की कुछ बात सुना रही थी, यहाँ श्रीदेवी क्या क्या हो बोल के रही? इसको विवेक को, विवेक हमेशा उसको सताता था कि यू नो, यू लुक लाइक श्रीदेवी. आया पे लाइन. हाँ, आया पे लाइन. तो बस उसने आशीर्वाद दिया है कि शाहरुख के, वो उसको शाहरुख बहुत अच्छा लगता है, तो शाहरुख से भी मोर पॉपुलर यू शुड बिकम, दैट्स हर ब्लेसिंग्स टू यू. वो आया को मैं इसलिए बताया करता था, आई यूज़ टू ट्राई एंड स्विंडल हर आउट, कि किसी तरह मैं उसे मना लूँ, पटा लूँ कि मुझे वो रात को दूध ना पिलाए. वो रोज़ रात को वो रोज़ मिल्क बना के मुझे पिलाने के लिए फोर्स करती थी. तो उसको मैं बोलता था यू लुक लाइक श्रीदेवी, ये वो करके थोड़े धीरे से मिल्क को हटाने के चक्कर में. बट श्रीदेवी सुन के भी दूध तो पिलाती थी ना? पिलाती. आज तगड़े बन गए उसकी वजह से. बड़ा मज़ा आया विवेक,
आया ने तुम्हें बहुत आशीर्वाद दिया, तो आया को देखकर बताओ कि तमिल में तुम्हारे प्रोग्राम का नाम क्या है? जीना इसी का नाम है। सब जितने जितनी फैमिली पूरी मद्रास में, उनके लिए ठीक से कहना पड़ेगा। वणकम इदा वळकई। I just hope I've got it right. नहीं तो पेरी सेरेपु पड़ेगा। अच्छा, पेरी सेरेपु मतलब चप्पल। अच्छा, तो एनीवे बचपन की तुम्हारी तस्वीरें देखी, बचपन की बातें हुई, बचपन की से याद आया, तो इतने लकी हो कि बचपन के दोस्त तुम्हारे साथ इतने सालों से हैं। मैं जब हैदराबाद जाता हूँ तो कभी सालों में मुझे एक बचपन का दोस्त मिलता है, कोई कनाडा चला गया, कोई अमेरिका, लेकिन यू सो लकी मैन। बचपन के दोस्त आज भी हैं और एक बचपन का साथी आना चाहता है, बुलाए उसे। आइए भाई। विवेक, हाँ अभी थोड़ी देर रुक यार, मैं तो बहुत रुक चुका हूँ सेट पे, अभी तू थोड़ा रुक, वेट कर थोड़ा। बदमाश। शायद आप इतना बताइए प्लीज, यहाँ आइए, ये रुकने का चक्कर क्या है भाई? एक एक्टर डिसिप्लिन डैडी हूँ, लोग बोलते डरता है, तो तुम कुछ सेट पे रोकता था ये? अरे मैं तो अभी भी आपसे डर रहा हूँ, डेट मांगने में भी डर लगता है। अरे यार, यहाँ मैं होस्ट हूँ, पहले ये बताओ कि तुम उसको ये सेट पे वेट कर रहा था तुमको? इसे बहुत वेट कराएंगे, बहुत। ट्रू, घर से निकल जाता था, पता नहीं कहाँ जाता था। बचपन की दोस्ती का ये देखो, घर से निकलता था, घर से टाइम पे निकलता था, फिर कहाँ जाता था मालूम नहीं। तेरे लिए सेट पे बिना ब्रेक लिए 18-18 घंटे, 24 घंटे मैंने लाइव में कभी नहीं किया। नहीं, 40 घंटे, 40 आवर्स आई हैव शॉट फॉर दिस गाय एंड हिज फिल्म, एंड ही यूज्ड टू कम टू मी एवरी आवर एंड आस्क मी कर पाएगा। मतलब जब तक खड़ा हूँ तब तक कर पाऊंगा, जब लेट जाऊंगा तब मुझे घर भेज देना। अच्छा, एक बात बताओ, जब विवेक को तुमने अपनी पिक्चर में साइन किया तब तो उसकी कंपनी भी रिलीज नहीं हुई थी जी, हाँ, तो ये दोस्ती है या कॉन्फिडेंस है या क्या चक्कर है जो तुमने इसे अपनी फर्स्ट पिक्चर में लिया? मैं तो नहीं लेता भाई, ये बात इतनी बड़ी रिस्क मैं नहीं लेता। एक्चुअली दोनों ही है, दोस्ती भी है और कॉन्फिडेंस भी है, क्योंकि मेरे लिए पहली फिल्म बनाना कम्फर्ट लेवल भी होना बहुत ज़रूरी था, और मैं विवेक से बेस्ट फ्रेंड के बाद फिर बिल्कुल नहीं मिला। हम लोग कुछ 10 साल के बाद एक म्यूजिक की दुकान में मिले, तो विवेक ने कहा हमारा घर चेंज हो गया, क्योंकि हम लोग पहले वहाँ ऑयस्टर शेल में रहा करते थे, तो आई यूज़ टू कम एंड स्पेंड द नाइट देयर। तो फिर ये यहाँ नए घर में आए, फिर एक दिन और उसके बाद 5 साल बाद मिले, तो विवेक कंपनी की शूटिंग कर रहा था एंड ही सेड तू क्या कर रहा है? मैंने कहा मैं अपनी पिक्चर शुरू कर रहा हूँ। तो मैंने विवेक को एक आविडली एक दूसरी स्क्रिप्ट सुनाई, तो विवेक ने कहा मैं ये करता हूँ, हम लोग ये करते हैं, 15-20 दिन में फिल्म बना देंगे। तो विवेक सर अभी तू क्या कर रहा है? मैंने कहा अभी तो मैं ये कर रहा हूँ, तो अभी इसमें क्यों नहीं काम करते? तो मैंने कहा पर डेटे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, तो अभी काम कर लेते। सर आई टॉक टू डायर, आई टॉक टू रामू एंड वील स्टार्ट। अच्छा, तो मैंने कहा एक्टर तो एक्टिंग तो कर ही लेगा ये, एंड कंफर्ट लेवल भी है, तो चलो शुरू करते हैं। और आपसे बात हुई और फिर सब शुरू हो गया। पिक्चर कौन सी बनाई? साथिया बन गई, तैयार है। क्या कब से मैं कह रही हूँ कि हमें दिखाओ फिल्म, और यहाँ आकर दिखना पड़ा। वो तो मैं मुझे नहीं मालूम था यहाँ भी है। अच्छा, एक बात आपको, जीना इसी का नाम। अच्छा, तुम्हारी जो बचपन की कुछ और भी यादें हैं, ये सिर्फ एक क्लिपिंग भी नहीं, और सरप्राइजेस हैं, देखते हैं अभी। अरे बेसेंट, हाय विवेक, आई होप यू रिमेंबर मी। आई रिमेंबर यू वेरी वेल एज अ प्लम्प लिटिल बॉय विद हेयर फॉलिंग ओवर योर फॉरहेड। द अदर डे आई सॉ योर पिक्चर इन द पेपर। You were looking exactly the same as you did when you were 3 years old. Hi Vivek, I'm Auntie Gulu. Hope you remember me. I taught you in the school right from the babies to standard 2. You were a very nice child, well behaved, and you listened to everything. But at times you wanted your own way, which you got it. I used to teach you Marathi. You used to come to my house for your tuitions, as you were slightly weak in Marathi. Yeah. But I just remember when you came to enroll for your ex-students, you said, Auntie, now I can speak in Marathi. I was so happy for your success in Marathi, as well as your success in your career. Marathi mein jawab do.
आता मला मराठी येते. हॅलो विवेक, आय एम सो ग्लॅड यू आर डूइंग सो वेल एंड आई एम ग्रेट यू आर डूइंग सो हाय इन योर प्रोफेशन. हाय देयर विवेक, I'm sure when you see Auntie Jer over here, it brings back wonderful memories of the days that you spent here with her training for your Trinity College exams. I remember one particular time when you rushed into the room and very dramatically came and held onto my legs and wouldn't let go for some reason. And I was wondering what was happening. And you said, Anita, just say you forgive me first and then I'll let go. And I said, all right, I forgive you, now tell me what. And you said that you hadn't learnt your lines and that is the reason why all this happened. And of course, I had no choice but to forgive you. And I remember that was the first and the last time that something like this happened. So, teachers. Auntie Jer and Anita were my first teachers. They only missed the banyan tree where we used to hang. Both of us used to have this whole Tarzan fascination. So me, Shah, we used to go out there and there used to be this big, huge banyan tree. We used to go try, climb up, hang on one root and then just fling across. That was the ultimate pastime, flinging across. Cut. तोड़ता है वही जोड़ेगा. एडिटिंग तो आपने की, अब आप ही जोड़िए. मेरी क्लास खत्म हो गई है. अच्छा शायद अब कुछ इनके और भी दोस्त हम बुलाते हैं तो आप बैठिए उन्हें. आप तो एडिटर हैं, आप बुलाएंगे, मैं दावत दूं? नहीं, आप बुला लीजिए. अब एक टार्जन की बात है आपकी. एक लड़की कहती है मैं शायद की फ्रेंड हूँ, जेन हूँ और वो टार्जन था बचपन में. जेन आई है क्या? हाँ, टार्जन एंड जेन प्लीज कम इन. Unbelievable. इतनी चिट-चिट-चिट-चिट चिल्लाने वाली बहन समझा मुझे बोलने नहीं देगी आगे. ऐसे क्या कर रही है? अंकल के साथ बात कर रही है. That's why I'm keeping quiet. I have to respect my elders and give them all the time to speak, na sir. अच्छा एक बात बताओ, तुम इनकी कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी? Very often, मेरे skirts, मेरे blouses, मेरे काफी costumes इन्होंने stage पे पहने हुए हैं. बहुत साल पहले. क्यों, क्या बात है, जरा कुछ बताएंगे आप? मेओ बॉयज, दे वर देयर, मेओ गर्ल्स, वी हैड नो कांटेक्ट विद ईच अदर एक्सेप्ट एक्सचेंज ऑफ सम लव लेटर्स, लॉट्स ऑफ लवली मैसेजेस फॉर द गर्ल्स. तो खाली आप ड्रेस डिजाइनर भी नहीं बल्कि पोस्टमैन भी थी. जी. जब मैं मेओ में था तो ईशा मुझसे थोड़ी थोड़ी लंबी भी थी. मतलब मैं 5'1" का था, मैं ये हाइट का था ऐसे. और मैं जाया करता था ईशा से मिलने. एंड मैंने स्कूल में एक लड़की का, बिकॉज बॉयज स्कूल था तो लड़की के रोल्स थे. तो अब तो खैर पीपल लुक एट मी एज चंदू विद दाढ़ी एंड एवरीथिंग. तब तो आई यूज़ टू प्रे टू गॉड कि मुझे एक बाल दे दे दाढ़ी का, एक. बट एट दैट टाइम आई हैड टू प्ले द गर्ल्स रोल. मुझे लड़की का रोल प्ले करना पड़ा. लड़की का रोल प्ले करना पड़ा. तो गर्ल का रोल तो बचपन में पहली बार मैंने भी किया था 7 साल की उम्र में. मैं बॉयज स्कूल में था, मेरे और मेरे बाजू भी सेंट जॉर्जेस गर्ल्स ग्रामर स्कूल हैदराबाद था. लेकिन उसकी कहानी अब नहीं बताऊंगा. बचपन की वो गर्ल्स कॉस्ट्यूम आपकी डिजाइनिंग दिखा दे. अरे माय गॉड, हंसे. अरे बाप रे बाप. अरे विवेक, दैट्स मी, दैट्स योर सलवार कुर्ता. I remember lending you skirts and stuff. अच्छा अब ये कॉस्ट्यूम बहुत हो गई, बाल तो सब देख लिए तमाशा, लेकिन समीर साहब मैं उधर मुँह कर लेता हूँ या बैठ जाता हूँ. आप प्लीज सबको, जनता को और दुनिया को, या आंटी को भेज देता हूँ. ये एक्सीडेंट का झगड़ा क्या था? मुझे आज तक नहीं मालूम है प्रिंसिपल ने मुझे फ़ोन किया था. और कुछ लटकते लटकते लिफ्ट लेते लेते मैं बैठ रहा हूँ, जरा आप बताइए. हुआ ये सब एग्जाम दिन का खत्म हो गया था, 10th class बोर्ड्स लास्ट डे था, पर विवेक डिसाइडेड टू स्टे बैक. मैं रुक जाता हूँ, मेरे सब दोस्तों का प्रैक्टिकल्स चल रहा है, मैं रुक जाता हूँ. वो भी रुक गया. सब लोग रात को गए पुष्कर वुष्कर जो भी किया, और वापसी में जो भी किया, मतलब
थोड़ा तो कटिंग करके नहीं ये पीता नहीं था इसलिए तो बच गए बाकी सब इसलिए तो बच गए एनीवे वापसी में बोलो ना सब लोगों ने दारू वारू पी के गाड़ी चला रहे थे तो खुला बोलो यार मैं नहीं कुछ मैं नहीं बोल रहा हूँ वो तो आप बोल रहे हो वापसी में पुष्कर घाट से आते आते जीप पलट गई जीप पलट गई हाँ लकीली विवेक किसी की मोटरसाइकिल पे चढ़ गया था कैसे मतलब जीप से गिर के हाँ नहीं नहीं ये अच्छा। वापसी में ही डिसाइडेड टू कम ऑन द मोटरसाइकिल एंड बाकी जो जीप में थे वो जीप पलट गई सो देयर वर टू ऑफ देम हु वर ओके ऑन द मोटरसाइकिल दीज टू गाइज आई डोंट नो हाउ ही 5'1" गाय एंड दिस अदर फेलो अ बॉक्सर दे डिसाइडेड टू पुट द जीप सीधा दे ड्रैग्ड ऑल द गाइज आउट उनको ले गए हॉस्पिटल और वहाँ पर वो होता है ना लेटर के अगर इन मर गए तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ एंड ही साइन दैट लेटर अंडर एज प्रिंसिपल को पता चल गया तो प्रिंसिपल और इनको बुलाया और बोला कि देखो भाई अगर तुम इनके नाम बता दो तो हम आपको हेड वो क्या आई विल मेक यू वन ऑफ द मॉनिटर बना दूंगा ये दे दूंगा वो दे दूंगा एंड दिस दैट एंड द अदर बट ही डिड नॉट गिव इन इसीलिए ही वॉज आस्क्ड दैट And he took the choice that I will walk, but I won't be bribed. Dost so I think it's a very proud story that he did whatever he did, and I think he did a good job. Very no? nice. I think he did a very good job. My friends were more important to me. Exactly. My friends were more important to me than anything else. Those guys were willing to bribe me, so I said, okay, I'll leave school. अच्छा, बचपन के मेओ के कुछ और भी दोस्त याद कर रहे हैं आपको. Building. Haunted. Hello, Vivek. I do hope you remember me. Remember that end of term dinner in Jaipur House in class 8? And you had a female role in one of those skits. And Thank you. After the play was over, you went about doing your job. Still wearing a sari. And my, what a way you controlled that sari, even when you are eating your butter chicken. जब आप यहाँ पे आए थे मोटे से थे और जब आपको मैंने कंपनी के अंदर देखा और आपकी फिजिक देखी तो मुझको बहुत अच्छा लगा मेरे को लगता है कि आपने जिम ज्वाइन कर रखा है और ये आपकी फिजिक को बनाए रखना जो कि आपके भविष्य में काम आएगी सब लोगों ने प्रोग्राम बनाया जाके कंपनी देख के आए तुम्हारी एक्टिंग इतनी अच्छी लगी मुझे विश्वास है कि तुम एक्टिंग की नई ऊंचाइयों को छुओगे ऑल द वेरी बेस्ट विश्वास है कि तुम बहुत अच्छा करोगे गुड लक टू यू थैंक यू सर थैंक यू वेरी मच दैट इज रियली नाइस हम देख रहे थे कि विवेक को इतनी सारी ब्राइब मिली भाई आप उस हेड बॉय बना देंगे कॉलेज में इतना सब बना देंगे फिर भी उसने अपने दोस्तों की साइड लेने की सोची उसने कहा कि भाई दोस्त पहले बाकी सब कुछ बाद में एक एक और आपके डायरेक्टर है जो रियली यू शुड बी रियली ग्रेटफुल टू हिम देखिए कुछ कहना चाहते हैं आपसे हाय विवेक आई एम सॉरी आई कुडंट कम टू दिस प्लेस लाइक यू नो आई वाज बिजी एंड Well, you know the story of how I kind of decided to cast you for a company and on an instinctive level, I thought you were right and you just, I think, did better than what I expected and you contributed but in company. And I just wish that you would continue doing the same and that's it. Take care, bye. Just like Ramuji, your mentor. अच्छा एक बात बताओ, he was saying something about क्या कुछ the way you got the role. थोड़ा ऐसा था कि रामूजी को लग रहा था कि जब मैं इस तरह गया तो रामूजी को लगा कि too soft, नहीं कर पाओगे, role नहीं कर पाओगे ये जो किरदार निभाना है इसे बहुत raw चाहिए, rugged चाहिए. तो वो जा रहे थे बाहर तो मैंने उनको कहा कि मुझे थोड़ा टाइम दे दीजिए
मैंने एक तो दाढ़ी बढ़ाई, दाढ़ी बढ़ाकर देन आई वेंट टू स्लम्स, वहाँ पर काफ़ी कुछ सीखा समझा और एक कैरेक्टर को तैयार किया, एक ऑटोबायोग्राफी लिखी उसके लिए. एंड व्हेन आई न्यू व्हाट चंदू वाज, रामू जी हैड कम बैक, तो मैंने उन्हें फ़ोन किया और बोला कि मिलने आ रहा हूँ. तो जब मैं मिलने जा रहा था मुझे लग रहा था कि ये मेक और ब्रेक है, मुझे कैसे भी अब इनको कन्विंस करना है कि आई एम द गाय हु हैज टू प्ले इट. तो आई ड्रेस्ड अप लाइक चंदू, स्मोकिंग अ बीड़ी, एंड आई वॉक्ड इनटू हिज ऑफिस एंड द रिसेप्शनिस्ट सॉ मी. उसने कहा कि क्या भाई साहब क्या चाहते हैं आप, भाई साहब बोला ये देख के. उसने लगा कि पता नहीं कोई चंदा मांगने आया है या पता नहीं कौन है. तो फिर जब ऊपर से रामू जी का फोन आया कि भेज दो ऊपर, तो ही वॉज मोर सरप्राइज देन यू नो एनीबडी एल्स. देन आई वेंट अपस्टेयर्स, मैं दरवाजे के बाहर खड़ा था, मुझे उनकी आवाज़ अंदर आ रही थी, तो मैंने सोचा एक बार कि अब बस हो जाए. आई पुश द डोर ओपन विदाउट नॉकिंग, जस्ट पुश द डोर ओपन, आई वेंट इन, ग्रैब्ड द चेयर, सैट ऑन द चेयर, पुट माई फीट अप इन द एंड कंटिन्यूड स्मोकिंग माई बीड़ी. आई वॉज जस्ट लुकिंग एट हिम. आई पुट हर बंडल ऑफ फोटोग्राफ्स इन माई हैंड विच आई हैड शॉट, उनको मैंने इस तरह से एक टेबल पे रखा और स्मोक करता गया. बाजू में जो फिल्म का एडिटर है चंदन अरोरा, बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, बैठा हुआ था और उसकी डिस्कशन अभी रामू जी के साथ यही चल रही थी कि ये लड़का बहुत सॉफ्ट है, नहीं कर पाएगा. और मुझे देख रहा था वो, पहचान में नहीं आ रहा था मैं. आई लुक्ड एट हिम एंड सेड क्या बस ठीक है बीड़ी पिएगा. तो वहाँ पे वो चंदन कन्फ्यूज हो गया. फिर रामू जी ने मुझे स्माइल किया और बोला कि डायलॉग तो बोल भाई, क्या वेट आउटसाइड. बस वही रामू जी saw me, smiled and said, wait outside. बाहर गया मैं, तो टिपिकल रामगोपाल वर्मा के जो सस्पेंस स्टाइल है, बाहर वेट कर रहा था मैं, अंदर कुछ बातें हो रही थी. दो मिनट बाद रामू जी बाहर आए, फॉलो मी, पीछे चला गया मैं उनके. सोच रहा था कि क्या करूँ, बीड़ी फेंकूँ कि हाथ में रखूँ, कैरेक्टर में रहूँ कि कट करूँ, बहुत हो गया. आई वेंट आउटसाइड द मेन डोर, गॉट इनटू द कार, सिट इन द कार, गाड़ी में बैठ गया. बोले पता नहीं क्या हो रहा है, अशोक घर ले चलो. गाड़ी स्टार्ट हुई, ही लुक्ड एट मी, इज लुकिंग इन द फोटोग्राफ्स, रामू स्टाइल. हाँ बिल्कुल यही. दैट वाज ब्रिलियंट, ऐसे बोले. देन आई स्टार्टेड टू ब्रीथ अगेन, आई वाज लाइक ओके. लेकिन फिर रोड में जो तुमने कुछ डांस स्टेप्स वगैरह किए, वो तुम्हारे कुछ बचपन की कहानियां सुनना है मुझे. कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने तुम्हें सिखाया या तुम्हारे साथ काम किया, उनको बुलाएं जरा. बॉस्को. ये दोनों मेरे कॉलेज के दोस्त हैं, हम लोग बहुत मस्ती किया करते थे साथ में. मुझे कभी लगा नहीं कि ये लोग सीरियस कोरियोग्राफर्स बन जाएंगे. हमने बहुत मस्ती की है साथ में, बहुत डांसिंग की है, बहुत शोज किए हैं. पॉकेट मनी कमाने के लिए हम लोग बहुत शोज किया करते थे, और पॉकेट मनी एंड ऑल्सो टू इम्प्रेस द गर्ल्स. ये देख, आई बिलीव कोई दोस्ती में किसी को, तुम दोनों में से किसी ने हर्ट किया तो आइसक्रीम फेंक के मारा था? दैट हैपेंड विद सीजर. कॉलेज में आफ्टर एनुअल डे वी वेंट टू अ कैंटीन, वी वर सिटिंग, विवेक्स गर्लफ्रेंड वाज सिटिंग विद अस एंड एक्स गर्लफ्रेंड, एंड शी हैपेंड टू से समथिंग टू मी. ही वाज वेरी अनॉयड विद दैट, ही डिडंट इंटेंड, बट ही टुक ice cream and put it on her face. She got very bugged. She just moved off from there. And I was like, Vivek. Then he said, okay, okay, I'm going. And then he, anyway, said sorry to her and tried on me. But I didn't like, she was very rude to him. So, ye Mithi bhai ki baat hai na? So, Mithi bhai ki kuch yaadein. I still remember that corner jam kitty kitty khelte the. Tune jo mere peeth pe jump mara tha abhi tak dukh rahi hai, mere doctor ke bills bhar raha main. Please mere bills bhar de, bahut paisa kama raha hai. What's happening with your jeep jo humne sab saath mein leke banayi thi 777? Is it still there ya bech di tune abhi? Still there. Anyways, all the best.
of fun in that jeep also. Deadly. Achha, a lot of fun. मुझे कुछ बिलीव नहीं हो रहा कि तुम लोग वाकई सब मिलके कुछ डांस स्टेप करते थे थोड़ा सा आप प्रूफ करके दिखाओ भाई म्यूजिक प्लीज मिलके इसको भी सिखाया One thing about Bosco Caesar and me when we used to do shows was we rarely had a single show where either one of us didn't make a mistake on stage and somehow covered it up. We had to. विवेक को मैं बचपन में बोलता था not बचपन में एक बार बोलता था भाई तू मॉडल है या एक्टर है क्या इतने बड़े बड़े बाल किए मेरी बात नहीं मानता था तो देखते इसके लंबे बाल मेरे लंबे बाल अरे बाप रे That is really Stallone. Really, huh? That's not Max. That's really Stallone. I worked with him. That photograph. I used to have long hair, obviously, and I used to model in New York. And I would do anything to be around a film set. I would do anything. On this particular shoot, I was a coffee boy. Huh? I used to learn how to make coffee for everybody on the unit just because I knew that this unit was going to shoot with Sylvester Stallone. And I was such a big fan that I wanted to personally go and meet him. So I was a coffee boy on this shoot. So Vivek, आप तो इतने सारे डांसेस वांसेस करते हैं ब्रेक डांस का एक स्टेप बताएंगे क्योंकि मुझे ब्रेक करना है थोड़ा एक बता दो करता है बहुत ब्रेक करके ब्रेक कर दे नहीं मुझे प्लीज ब्रेक डांस का ब्रेक करके ब्रेक कर दे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रेक डांस लुक एट द ब्रेक डांस नहीं 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 ब्रेक डांस हैज मेनी वेरिएशंस इन टर्म्स ऑफ देयर इज अ वेव देयर इज रोबोटिक्स आई शो यू रोबोटिक्स योर सन आल्सो डज एक्सीलेंट तो दोनों करो यस नो 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 वेरी कम ऑन डोंट बी शाय आई थिंक ऑल थ्री ऑफ अस बिकॉज़ वी थ्री शुड डांस टुगेदर आई डोंट नो व्हाट चलिए What is this? अच्छा ये वाला क्या वन अरे तुम नहीं देखा हुआ है देखो I don't remember it अच्छा ये one two three four come on let's go far so first forward forward side okay okay far say say have it one two बचपन की बातें हुई दोस्ती की बातें हुई करियर की बातें हुई बस बहुत कुछ बातें हुई लेकिन जैसे खाने के बाद हम लोग लास्ट में स्वीट डिश रखते हैं मिठाई रखते हैं वैसे हमने खूबसूरती लास्ट में छुपा के रखी है आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत विवेक की कोस्टार विवेक से बात करना चाहेगी हेलो हेलो विवेक मनीषा हाय व्हाट अ फैंटास्टिक सरप्राइज या हाउ आर यू आई एम ओके Okay, listen, I just want to say you're one of the brightest boys, one of the brightest actors that I've worked with. And I just want to wish you all the really very best. And congratulations, you've done so well so far, okay? Thanks so much, Manisha. What a long way to go. Manisha? Yeah? This is Suresh Oberoi, Vivek's dad. How are you, sir? I'm very fine, thank you. Tell me one thing. Jab Vivek aapke saath kaam kar raha tha, ya Ajay Devgan ke saath, मैं तो सेट पे आता नहीं था मुझे वैसे ही घर पे नर्वस रहता था क्या आपको अच्छा लगता था ये काम ये बहुत नर्वस रहता था या आपसे डरता था क्या चक्कर क्या था जरा आप बताएंगे प्लीज दैट इज आई मस्ट से दैट इज दैट केम टू मी एज अ सरप्राइज बिकॉज़ विवेक वाज ऑलवेज अ वेरी कॉन्फिडेंट बॉय एंड आई डिडंट सी दैट साइड एट ऑल दैट ही वाज नर्वस अच्छा तो आई वाज वेरी हार्ड वर्किंग एंड कॉन्फिडेंट एंड ही न्यू हिज वर्क वेरी वेल
So you enjoyed working with him? Pardon me? Did you enjoy working with him? A lot, a lot. He's a very good boy to work with. Very, very good boy. Manisha, every day on the sets when I've worked with you, mm-hmm. one of the most encouraging things was the pleasant and warm, beautiful smiles that you gave me every time I came on the set. Thank you so much for that. My pleasure, Vivek. All the best. Thank you very much, Manisha. God bless. Thank you very much. Bye. विवेक कह रहा था कि ये बहुत बड़ी सरप्राइज थी तो आज दिन ही सरप्राइजेस का है, है? एक और सरप्राइज हो जाए हाय विवेक आई विश आई वाज ऑन द शो बट आई गेस दिस इज गुड इनफ आई रिमेंबर द फर्स्ट टाइम दैट आई सॉ यू एंड इट वाज नॉट ड्यूरिंग कंपनी इफ यू रिमेंबर इट वाज टू इयर्स बिफोर दैट इन ऑस्कर्स क्लासेस एंड आई सॉ यू अ फ्यू टाइम्स आफ्टर दैट इज वेल एंड व्हाट स्ट्रक मी मोस्ट अबाउट यू एट दैट पॉइंट was your immense self-confidence and your belief in yourself. You know, there was absolutely no doubt in your mind of what you wanted to achieve and your ability to achieve it. And I remember being quite impressed by that. Of course, we didn't get along even then. We used to constantly be at each other. But I still respected you, and I do even now. After that, I think we met on the first day of shooting of Company during Kanu's introduction. And I remember how easy it was doing that one particular that first scene, which was Kanu's introduction. It was so easy because of you. You know, it's sort of, we just did one rehearsal and the scene just took off. I still, when I go on a set, I still miss you sometimes. Anyway, what I remember most about you and what I like most about you is your strength. And I'm sure you're going to go places. You deserve every bit of what you've got today. You deserve more. I wish you incredible personal happiness with Gurpreet. I wish you incredible growth in your profession and as an actor. And I love you as an actor. I love you as a person. I'm very proud of you. And just be happy, do whatever you feel like, and best of luck. Thank you so much. That was so beautiful. Thank you so much, Andhra. That was very, very touching and very moving. एक बड़ी खूबसूरत सरप्राइज है और खूबसूरती तो हमने लास्ट के लिए रखी है एक खूबसूरत सरप्राइज थोड़ा सा पास आ जाइए Absolutely no clue. Really? Yeah, I know. Jeena Isi ka naam hai. That's great. आप अपने कौन सी फिल्म कर रही हैं इनके साथ अब? जी मैं दम नाम कर रही हूँ नाम की एक फिल्म कर रही हूँ and it's a very good film for Vivek. I think for the first time people will be seeing Vivek in an out and out commercial role and Vivek is brilliant in the film. Okay. Inivas ki film hai. तो अभी तो पता चला कि इसके मेयो कॉलेज से और दुनिया के बचपन से मतलब ये काफी दम वाला लड़का है ये तो दम वाला ही नहीं बहुत ही खुददार एंड एन एक्सट्रीमली गुड ह्यूमन बीइंग विवेक इट्स बीन सच अ प्लेजर वर्किंग विद यू थैंक्स विवेक इज वन ऑफ द मोस्ट वेल ब्रॉट अप बॉयज आई हैव एवर मेट एंड दैट इज कंप्लीटली थैंक्स टू यू मैम एंड यू सर ही इज अ जेंटलमैन ही इज well conducted well spoken well read and a brilliant and he had a big brat. Yeah. He's a brat. But with all that he's a good guy and I'm so happy to be working with you thanks dear thanks so much so we love him huh yes we do इतनी मीठी मीठी बातें इतनी तारीफ की तो मीठा खाने का मन कर रहा है अभी केक प्लीज आइए विवेक के बारे में बहुत सी बातें हुई बहुत मजा आया और कई बातें आज ही मुझे पता चली हमें पता चली आपको भी पता चली हम उसके साथ जो जो उसने जिया हम साथ जी रहे थे और ये मुलाकातों का बातों का सिलसिला मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा ये सिलसिला चलता रहेगा फिलहाल
विदा, और जाते जाते आपकी तरफ से, मेरी तरफ से, हम सब के तरफ से विवेक के लिए छोटी सी दुआ। बढ़े चलो कि तुम्हें जुल्मतों से काम नहीं, बढ़े चलो कि तुम्हें जुल्मतों से काम नहीं, तुम चिरागे सहर हो आफ्ताब शाम नहीं।